माइनस वन ये होता है कि वो कभी जब तक कभी लोन लिया ही नहीं है कोई कंपनी से, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सिविल बढ़िया है। और हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो हम लोग को आधार कार्ड से पता चल जाता है कि उसका सिविल कैसा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप हमारे सामने प्रेजेंट है ऑल न्यू यामा की MT15 का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल 2023 वाला वेरिएंट। और ये फ्रेंड्स ब्लैक कलर में प्रेजेंट है, काफी अच्छी फ्रेंड्स बाइक लग रही है ब्लैक और गोल्डन कलर के यहाँ पे कॉम्बिनेशन में। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स इस बाइक का यहाँ पे फाइनेंस ऑप्शन जो कि रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पे ओनली 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट के ऊपर। और ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यामा शिवशक्ति मोटर्स ग्रीडी में। बाइक का स्टॉक जो है वो आ चुका है, जिन्हें भी लेना है वो फ्रेंड्स अब फाइनली आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक कलर में भी बाइक आ रही है। करेंटली जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है फ्रेंड्स 2,10,000 रुपीज के अप्रॉक्स में। और अभी फ्रेंड्स आपको हम बताने वाले हैं इसका फाइनेंस ऑप्शन, अभी हमारे साथ भैया है जो कि हेल्प करेंगे। सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दें। माय नेम इज अभिषेक कुमार पांडे, L&T फाइनेंस लिमिटेड। तो बाइक अगर हम फाइनेंस करवाने अभी आ रहे हैं तो इस बाइक के लिए हमें मतलब मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा? 50,000। तो 50,000 अगर हम डाउन पेमेंट कर देते हैं इस बाइक के लिए, तो जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि काफी लोगों का डॉक्यूमेंट्स का इशू रहता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, ATM। और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21 प्लस। मतलब 21 से वो जितने भी है वो ले सकते हैं जी। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं सिविल स्कोर वगैरह का भी काफी मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो इसमें कुछ सिविल वगैरह भी अच्छा चाहिए क्या? वैसा कुछ नहीं है, मगर सिविल अगर 750 प्लस रहा तो और बेनिफिट मिल सकता है कस्टमर को हमारे तरफ से, मतलब और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी अगर उससे कम है तो भी हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो अभी जैसे क्या है ज़्यादा जो है वो यंगस्टर्स ही रहते हैं बाइक जो अभी ये वाला परचेस करते हैं, ज़्यादा जो है वो 20 से लगभग मतलब 25-30 साल के एज के रहते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो लोन ले रहे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगता है क्या कि मतलब फर्स्ट टाइम अगर लोन ले रहे हैं? वैसा तो कोई इशू नहीं है इसमें, कोई इशू नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो मतलब अगर हम L&T से अभी अगर फाइनेंस करवाते हैं तो हमें टाइम कितना देना होगा बाइक फाइनेंस में? मैक्सिमम 20 मिनट्स में फाइनेंस हो जाएगा, एकदम गाड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, कुछ गारंटर वगैरह भी लगता है क्या? कोई कोई नहीं, कोई गारंटर नहीं। ठीक है, तो अगर EMI की हम बात करते हैं तो EMI हमारा क्या आ जाएगा और कितना कितना मंथ्स का आ जाएगा? अगर 12 महीने का आप ले करवाते हैं EMI 7.99 के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपका 15,331 रुपये पड़ता है। ठीक है, 18 मंथ का कराइएगा तो 10,592 रुपये पड़ता। ठीक है, 24 मंथ का कराइएगा तो 8,222 रुपये पड़ेगा, प्लस 30 महीने का कराइएगा तो 6,801 रुपये पड़ेगा। अगर कस्टमर का सिविल और भी बेहतर है तो उनको और भी बेनिफिट हमारे कंपनी दे सकती है। मतलब अगर बेसिकली हम देखते हैं तो मतलब लास्ट हमें 30 मंथ्स तक का ही मिलता है या उससे ज़्यादा भी टाइम मिलेगा? सिविल अगर अच्छा रहता है तो हम लोग 30 मंथ तक ही दे सकते हैं, अगर सिविल माइनस वन रहा तो 48 महीने का भी हम लोग दे सकते हैं। 48 महीने का? अच्छा, माइनस वन क्या होता है? माइनस वन ये होता है कि वो कभी जब तक कभी लोन लिया ही नहीं है कोई कंपनी से, तो हम कैसे जानेंगे कि वो सिविल बढ़िया है। और हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो हम लोग को आधार कार्ड से पता चल जाता है कि उसका सिविल कैसा है, जिससे हम लोग उसको उस तरह का बेनिफिट बताते हैं कस्टमर को। अच्छा, मतलब बेसिकली क्या है कि वो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आप भी नहीं बता सकते? नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, हम क्या कोई नहीं बता सकता कि मतलब उसके लिए लॉगिन होना जरूरी, लॉगिन करना जरूरी, क्योंकि सिविल भी लॉगिन होने के बाद ही चेक होता है। सिविल लॉगिन होने के बाद ही पता चलता है आधार कार्ड और पैन कार्ड से। ठीक है, तो अभी जैसे अगर हम इस बाइक को फाइनेंस करवा लेते हैं और हम जैसे पहले अगर क्लोज कराना चाहते हैं अपने लोन को, जैसे सपोज दैट हम 3 साल का करवा लिए, अब मेरे पास पैसा 1 साल के या 1.5 साल के बाद आ गया, तो हमें मतलब क्या प्रोसेस रहेगा उसमें? 6 महीने के बाद आप क्लोज करवा सकते हैं, जिसमें से आपका 70% ब्याज माफ हो जाता है, 30% ही लगता है। 70% जो लोन है वो माफ हो जाएगा 30% लगेगा जी जी। बाकी अगर जैसे हम हाइपो की बात करते हैं तो फिर मतलब इसमें आप लोग हाइपो के साथ करते हैं? अगर सिविल अगर कस्टमर का 750 प्लस रहता है सिविल, तो उसमें हमारे कंपनी से हाइपोथिकेशन नहीं लगता। अच्छा, अभी भी मैंने कस्टमर को दिया था उसमें हाइपोथिकेशन नहीं लगा? नहीं। तो मतलब हाइपोथिकेशन जो है वो सिविल पर डिपेंड करता है? सिविल पर डिपेंड है, अगर बढ़िया है तो नहीं लगेगा। 750 प्लस 750 है तो नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी NOC की बात अगर हम करते हैं तो वो कब तक वो आपका लोन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको NOC मिल जाएगा, तो वो उसके लिए शोरूम आना होगा या ऑनलाइन उनके घर पर पहुँच जाएगा हमारे कंपनी से? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो अभी बेसिकली अगर हम देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अभी मतलब आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है उसमें कुछ कम होने का चांसेस है या यही रहेगा? अभी तो ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं, मगर अभी 7.99 हमारे तरफ से चल रहा है स्कीम हमारे कंपनी का, वो सबसे कम है अभी। तो मतलब जैसे काफ़ी भाई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम अभी ले या धनतेरस में ले, तो मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न मतलब कुछ आप क्लियर थोड़ा कर सकते हैं कि मतलब बेनिफिट कब रहेगा? देखिए, हो सकता है वो फेस्टिवल का टाइम है तो और भी कुछ कम हो सकता है, पर अभी इसका कोई जानकारी नहीं। पहले 8.49 था, अभी 7.99 दे रहा है, तो स्कीम निकलते हैं अभी जो आपका ये आने वाला है 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है, उसमें भी बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा, 110% सी हो रहा है। तो मतलब विश्वकर्मा पूजा में भी बाइक ले सकते हैं कोई भी बाइक? ठीक है,
तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल न्यू यामा एम टी 15 का एक फाइनेंस ऑप्शन, जिसमें कि आपको हमने 50,000 डाउन पेमेंट के ऊपर बताया है। बाकी अगर आप बाइक देखते हैं तो लुक्स वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। एलईडी में डीआरएल्स आ रहा है, एलईडी में लाइट्स कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है। और अभी कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। एक फ्रेंड्स आपको आइस फ्लो ओवर मिलियन कलर मिल जाता है। एक फ्रेंड्स अभी आया हुआ है हमारे सामने, जो अभी मतलब यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, गोडाउन में प्रेजेंट है, वो है फ्रेंड्स इसका सियान स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर, जो कि वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी ये जो कलर ऑप्शन है ये अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है, ब्लैक और गोल्डन, क्योंकि इसका जो प्रीमियमनेस है वो अलग लेवल का है। तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए ये फाइनेंस ऑप्शन आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपको बाइक लेनी है तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।